हेलो फ्रेंड्स, झटपट मम्मी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे, जो चावल बच जाता है उसे हम नुकसान नहीं होने देंगे। उसको ऐसे फ्राई करेंगे कि बच्चे बड़े बहुत मन से खाएंगे। उसमें डालने के लिए चावल में हमने प्याज बारीक काट लिया है, हरा मिर्चा, धनिया, टमाटर, मटर। अब इसको हम पहले तेल में ये मिर्चा डालेंगे। पहले हम मिर्चा को फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें हम प्याज डाल देंगे। देखिए प्याज मेरी भून गई है। अब इसको हम टमाटर डाल दे रहे हैं इसमें। मटर भी डाल देंगे क्योंकि साथ में मटर भी भून जाएगा। इसको ढक दे रहे हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा हल्दी भी ऐड कर दूंगी और इसमें नमक डाल देंगे। फिर इसको ऐसे चला लेंगे, मिक्स हो जाएगा हल्दी और नमक। फिर इसको हम 2 मिनट के लिए ऐसे ढक देंगे। देखिए अब इसको देखते हैं, इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा है। मटर भी हमारी पक गई है। देखिए मटर टमाटर सब पक गए हैं। इसमें हम अब चावल डाल देंगे। चावल डाल के आप इस तरह मिक्स कर लीजिए। मिला लीजिए अच्छी तरह से। ऐसे भून दो तो घर के बच्चे बड़े बहुत मन से खाएंगे। ऐसे तो चावल कोई छूटा ही नहीं है, जो चावल बच जाता है। और आप इस तरह चावल फ्राई कर देंगे, सब लोग बड़े मन से खाएंगे इसको। इसमें हम धनिया डाल देंगे। इसमें धनिया भी डाल के आप चला दीजिए इस तरह। जब भी आपके घर में चावल बचे आप इसी तरह फ्राई करना। अब इसको हम 1 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। देखिए बहुत अच्छा बन गया है। अब इसको हम प्लेट में निकाल ले रहे हैं इस तरह। जो हमने चावल बचा हुआ चावल हम फ्राई किए थे, देखिए कितना अच्छा बन के तैयार है। और आप भी ऐसे सबको बनाइए और खिलाइए। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।